नगर परिषद सुजानपुर में जो भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं वे जीत सुनिश्चित करेंगे। हमें अपने उम्मीदवारों और सुजानपुर की जनता पर पूरा भरोसा है। ये बात सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने देर शाम सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा की नौ सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा की सुजानपुर की जनता सही और गलत को पहचानती है और वे सही फैसला करके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत तय करेगी। उन्होंने कहा की शहर की जनता को बार बार अध्यक्ष बदलने वाली नगर परिषद चाहिए या फिर काम करवाने वाली नगर परिषद, ये तय सुजानपुर की जनता को करना है। इसके साथ साथ उन्होंने सत्तासीन भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि काम करवाने की बजाय काम रोकने में माहिर भाजपा कब तक सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा के कार्य को रुकवाती हुई आएगी, क्योंकि भाजपा का कार्यकाल जो अभी तक 3 वर्ष का हुआ है वह पूरी तरह निकम्मा और जनहितैषी करार हुआ है। ऐसे में जनता इस सरकार से दुखी है और जल्द ही जो अब चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम में सरकार को अपनी करनी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में अब तक जो विकास हुआ है कांग्रेस का ही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से विधायक राजेंद्र राणा ने करवाया है, जिसका सबका हिसाब उनके पास है। अगर भाजपा ने कुछ करवाया है तो वे अपने द्वारा करवाए गए कार्यों का बयान करें, नहीं तो सुजानपुर की जनता से माफी मांगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नगर परिषद सुजानपुर में जो भी विकास होगा नगर परिषद सुजानपुर कांग्रेस का कब्जा होने के बाद क्या करना है, उसका मास्टर प्लान उनके पास तैयार है। ऐसे में शहर के सभी वार्डों में एक समान विकास करवाना, इलाके के लोगों की सेवा करना उनका प्रथम कर्तव्य रहा है और यही कर्तव्य उनकी पार्टी के चयनित उम्मीदवारों का रहेगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 8 में नाले का जो निर्माण कार्य जिसका बजट उन्होंने खुद विधानसभा में के मुद्दे में उठाकर अप्रूवल करवाया है, सबसे पहले इस नाले का कार्य करवाया जाएगा ताकि लोगों को बरसात के समय में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वह ना उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में जो उम्मीदवार दिए गए हैं सबकी सहमति में उतारे गए हैं। इसके बावजूद अगर कोई आजाद उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उतरता है उसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही होगी। पार्टी केवल अपने द्वारा जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उनके लिए कार्य करेगी, यही उनका फैसला है और यही जिला कांग्रेस कमेटी का फैसला है। इस मौके पर जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरने हैं विधायक राजेंद्र राणा के साथ उपस्थित रहे। स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैंने सभी जो जो कैंडिडेट्स अभी तय हुए हैं, मैं अभी मेरे साथ बैठे हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहा हूँ मैं, यहाँ का विधायक होने के नाते, पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते और पंचायती राज का प्रभारी होने के नाते, कि हमारा मकसद, मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है और सभी के सभी जो भी हमारे पार्षद खड़े होने जा रहे हैं उनके पक्ष में वोट पड़े ना पक्ष में पड़े ये जनता ने फैसला करना है। परंतु इरादा बड़ा साफ है कि सुजानपुर को आगे लेके जाना, शहर को चमकाना है और लोगों की सेवा भाव से काम करना है।